फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मैं जीतू के लिए मंगवाई हूँ निबलर। और इसमें क्या है ना कि फ्रूट्स वगैरह इसमें दे सकती हूँ, लवलैप का है तो उसे सक करने में आसानी होगी। और बहुत आर एन डी करने के बाद ये वाला मंगवाया है, अब यूज़ करके देखती हूँ कैसा है। गाइस अभी मैं निकल रही हूँ थोड़ा मार्केट, और रूपा भी है साथ में। आइए, अभी फूआ और रूपा दोनों लोग आए हैं तो निकल रही हूँ। बहुत तेज़ धूप है, देख सकते हैं, बैकग्राउंड में दिखाती हूँ आप लोगों को। तुरंत बारिश हो रही थी और तुरंत ना एकदम से कड़ी धूप और स्वेटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो निकल रही हूँ, थोड़ा ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए देना है और कुछ काम है छोटा मोटा वो करवा लेती हूँ, क्योंकि जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। कहीं सच बोलूँ तो इतनी तेज़ धूप में ना जाने का मन नहीं कर रहा है, बट वो होता है ना कि आज रूपा है तो चलो साथ में निकल जाती हूँ, आगे जाऊँगी। एक्चुअली एनिवर्सरी इतना घाई में हुआ ना, आपने देखा ही होगा ब्लॉग, जिस दिन एनिवर्सरी थी उसी दिन रोहित चले गए नासिक वापस, तो मैं भी उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ले पाई, वो भी नहीं ले पाए। तो मैं सोची कि चलो मैं ही ले लेती हूँ दोनों का ही छोटा कोई सा भी आइटम। तो ये मैंने पसंद किया है पायल, और ये तीन पसंद आए थे, लेकिन ये जो है गोल्डन कलर में बहुत पतला था तो टूट सकता है वो कभी कभी पहनने के लिए, और ये बहुत ही यूनिक सा लगा ग्रीन वाला, तो मैं वही ले रही हूँ। और ये मैं कड़ा ले रही हूँ रोहित के लिए, और ये देखिए पायल पास से दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे ना मेरा ढोलना वो थोड़ा सा बड़ा करवाना था, तो वो भी एक काम था बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बहुत छोटा था तो गर्दन में एकदम फिट आता था गले में। और साथ में ये नज़रिया भी ले ली हूँ जीतू के लिए, मोती का है तो गर्मी में कंफर्टेबल रहेगा। और मैं जिस सोनार के दुकान में हूँ वो है छाता चौक पे, बहुत ही अच्छा सर्विस है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं बहुत ही पोलाइटली बात करते दिखाते हैं, और बहुत सारे यूनिक डिज़ाइन डोसा रखा गया फर्मेंटेशन के लिए, ये देखिए धूप में अभी और होगा, छोड़ दो। मुझे ना दो तीन काम और करवाने थे, बट मैं सोची कि करने जाऊंगी तो फिर लेट हो जाएगा, बुआ को और रूपा को बुलाई हूँ डोसा खिलाने के लिए, फिर वो भी अटक जाएगा, मतलब लेट हो जाएगा। गाइस एक्चुअली क्या हुआ है कि गोल्ड के शॉप पे ही लेट हो गया, और मुझे जाना था टेलर के पास में, एक ब्लाउज बनवाना था पायल एनिवर्सरी गिफ्ट में लेना था कुछ, बट अभी थोड़ा सा बजट ढीला चल रहा है। आपने देखा होगा लास्ट वाले ब्लॉग में फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, तो उसमें कुछ भी ये करना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मेरी भाभी पीछे से ये देखिए, ये बदमाशी के लिए का भी एनिवर्सरी गिफ्ट में मैंने वो करा लिया है। अब कन्फ्यूजन हो गया है कि दो कड़ा पसंद किया था, एक जो मैं लेकर आई हूँ और एकदम सिंपल सा था, उसका मैं पिक अभी यहाँ पे शेयर कर दूँगी अलग से, दो हैं तो भाभी बोली कि वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर देखते हैं, नहीं होगा तो एक्सचेंज करके आज ही ले आऊँगी, नहीं तो फिर वो मेकिंग चार्ज वगैरह कट कर लेगा। खेल रहा था बेटा नानी के साथ में, एक ना नानी के साथ कितना अच्छा खेल रहा था बेटा, कना नानी के साथ खेलो बेटा, इधर इधर कना, एक ना कितना दिया है दोस्ती मम्मा, ये दिया।
मैं किचन में सांभर की तैयारी कर रही थी उसी टाइम पे भैया वॉकर लेके आया है आहान के लिए। अमृतेश का भी लेने वाले हैं बट यहाँ नहीं लेंगे, वहीं पे लेंगे नासिक में। अभी फिर एक और सामान बढ़ जाएगा और फिर किचन में आ गए हम तीनों, भाभी रूपा मैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ बटा रहे क्योंकि काम बहुत फैला हुआ लग रहा है, पता नहीं कितना देर में होगा। गाइस यहाँ तीनों लोग लगे हुए हैं, एक आदमी, मैं मूंगफली छोड़ा रही हूँ एक्चुअली यहाँ पर, और भाभी दाई का काम कर रही है, बर्तन धो रही है, और रूपा आलू मिस रही है। पता नहीं ये बेटा से मिस आएगा। और गाइस फूआ लोग चले गए खाकर और फिर मैं गई टेलर के पास में ब्लाउज़ के लिए देने के लिए। शॉप बंद हो गया क्योंकि रात के 8 बज गए थे तो बंद हो गया, तो फिर मैं आ गई वापस तो काम हुआ नहीं, तो अब जा रही हूँ चेंज करने। बहुत हालत ख़राब हो रही है, है ना, स्वेटिंग हो रहा है, ऊपर से ये लेगिंग्स कुर्ता वगैरह में तो और गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो अब जा रही हूँ चेंज करने। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या होगा, सबके लिए डोसा बनाऊँगी, खाएँगे। और अब मैं ना इयरिंग खोल दी हूँ क्योंकि ना वो जो उसका लगाने का होता है ना उसकी वजह से घाव हो गया है तो पहनने को नहीं हो रहा है अभी। खैर कोई नहीं, चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो खूब सारा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।